देहरादून में 21 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 60,000 लोगों के साथ फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के मैदान में योग करेंगे। प्रधानमंत्री के देवभूमि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन पर आने पर उत्तराखंड के लोग बेहद उत्साहित हैं। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए हरिद्वार के पतंजलि योगपीठ के कार्यकर्ताओं में बेहद उत्साह है। पतंजलि योगपीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण ने बताया कि पतंजलि योगपीठ के 20,000 कार्यकर्ता प्रधानमंत्री के योग शिविर में भाग लेंगे। पतंजलि के कार्यकर्ताओं की इस बड़ी हिस्सेदारी से वो और भी ज्यादा उत्साहित हैं। लगभग 40-45,000 लोगों की भाग लेने की संभावना है, उसमें से लगभग 20,000 लोग पतंजलि के हैं। हमारे लिए गर्व की बात है, यानी पूरे देवभूमि में से योग करने वाले यूं तो सारे योगी हमारे हैं, सारी योगी भाई बहन सारे उत्तराखंड के हमारे हैं, पर जो जिम्मेदारी दी गई थी संस्थागत रूप में उत्तराखंड में, जबकि बहुत सारी संस्थाएं हैं उनमें से भी जो माननीय प्रधानमंत्री के साथ जो योग करने वालों में जो संख्या में शासन प्रशासन के लिए एक व्यवस्था करने में भी चुनौती थी, बिल्कुल ट्रेंड बहुत ही अच्छी तरह से सिखाए हुए हमारे 20,000 के लगभग हमारे योगी भाई बहन उसमें प्रतिभागी होंगे। और ये उत्तराखंड को पूरे वैश्विक मानचित्र पर उसके पटल पर दिखाने के लिए एक बहुत ही गौरवपूर्ण क्षण होगा, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस गौरवमय क्षण को प्रदान किया है उसके लिए बिल्कुल, वो हमारे उत्तराखंड के लिए नहीं पूरे देश और दुनिया के लिए गौरव है। और उनके प्रयास से यूएनओ ने इंटरनेशनल योगा डे मनाने का निर्णय लिया। श्रद्धेय स्वामी जी जो वर्षों से जिस योग को प्रतिष्ठापित करने के लिए पूरे दिन रात एक करके लगे थे, जिन्होंने अपने पूरे जीवन को खपा दिया, ऐसे योगी के स्वप्न को साकार होता हुआ देख करके हम भी बहुत प्रसन्न हैं। हरिद्वार समेत उत्तराखंड के सभी 13 जिलों में योग के छोटे छोटे शिविर लगाकर लोगों को योगा अभ्यास करवाया जा रहा है, ताकि वो पूरी तैयारी के साथ प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में हिस्सा ले सके। इसी के साथ भारतीय योग संस्थान के बैनर तले आरएसएस द्वारा संचालित सरस्वती विद्या मंदिर में 5 दिवसीय योग शिविर लगाकर लोगों को योग से प्रशिक्षित किया गया। इस दौरान आचार्य बालकृष्ण ने योग के फायदे भी बताए। योग मन को साधने के लिए, तन को साधने के लिए, विकार से लेकर के बीमारी तक को दूर करने के लिए एकमात्र साधन वो योग है। औषधियाँ आंशिक रूप से शारीरिक व्याधियों को दूर कर सकती हैं, पर महामारी की तरह से फैली हुई जो हमारी मानसिक व्याधियां हैं, आंतरिक जो हमारे संघर्ष की अवस्थाएं हैं, जीवन की नकारात्मकता है, जीवन की हताशा और निराशा है, उसको कोई दवाई या कोई पाथी या कोई औषधि दूर नहीं कर सकती है। वो मात्र कोई चीज़ दूर कर सकती है तो वो योग है। योग को हम ठीक से करेंगे तो जीवन की प्रसन्नता भी मिलेगी और शरीर की निरोगता को भी हम प्राप्त कर सकेंगे। बता दें कि भारतीय योग संस्थान के नेतृत्व में पूरे उत्तराखंड में निशुल्क योग शिविर लगाकर लोगों को योग के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है और उसकी अहमियत से उन्हें रूबरू कराया जा रहा है। वीडियो डेस्क, अमर उजाला टीवी, देहरादून।